हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू शिताज लाइफ। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, करती हूँ। आप सभी भी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। और आप जो ये मेरे हाथ में कुछ नई सी चीज देख रहे हो ना, ये है कॉलर माइक जो कि मुझे मिली है अपने बर्थडे गिफ्ट में। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे मौसी से मिलने, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं उनसे मिली नहीं हूँ, और साथ ही मैंने भी शॉपिंग भी नहीं की बहुत दिनों से। तो चलिए चलते हैं, बहुत सारी मस्ती करेंगे प्लस शॉपिंग भी करेंगे। जैसे कि मैं आई थी अपने मामा के घर, तो मैं मौसी और मेरे मामा की लड़की विधि बनाने वाली है मैगी। ये जो दोनों के मैंने नाम दिए, ये दोनों का पता गायब है यहाँ से। ये बनाने मेरे को देंगे और खाने के लिए पहले रहेंगे मेरे पहले। मैगी देखो क्या लजीज बनने वाली है। मैगी को कलर कितना ज्यादा प्यारा आ रहा है ना, और जितनी ज्यादा लजीज वो दिख रही है ना, उतनी ज्यादा तीखी भी होने वाली है। चलो मैगी जब तक पकती है तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये देखो, तो ये है मेरे नाना जी, जिनकी रिसेंटली पिछले साल ही डेथ हो गई है, और इनकी डेथ शायद मेरे बर्थडे के एक दो दिन पहले ही हुई थी उस साल। तो मैं अभी जब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ वो ना यहाँ पर बैठे रहते थे और अपने को बोर नहीं होने देते थे, कुछ भी बताते रहते थे, कुछ भी। तो मुझे अभी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मिस हिम सो मच। बाकी की चीज़ें साइड में रखते ही हम देखते हैं कि हमारी मैगी बनी है या नहीं। तो हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है, और देख रहे हो ना ये सब चीज़ें, इससे आप समझ जाओ कि हमने कितनी खतरनाक मैगी बनाई है। और हम तीन लोग हैं, खतरनाक मास्टरपीस। तो यह है विधि, ये है मौसी, ये है मैगी, और यह है मैं। अब मिलती हूँ खाने के बाद। घास सुन गए जो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पीछे से बोल रही है, क्योंकि वो पीछे वाले जो श्रेयु है ना, वो जल्दी जल्दी कर नहीं रही है। आ जा श्रेयु जल्दी। तो ये हो चुकी है रेडी, आ जाओ श्रेयु। सबका हो गया है, तो श्रेयु की मम्मी लेट कर रही है। पैदल नहीं जा सकते ऐसे, मतलब इतने नाजुक हम हो चुके हैं। तो यहाँ पर पानी पूरी के लिए वेटिंग है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, मिल जाए जल्दी से बस। देखो श्रेयु के बैग देखो कितनी ज्यादा क्यूट है, और श्रेयु भी उससे ज्यादा क्यूट है। श्रेयु आज अपने मेकअप नहीं किया? आज मेकअप नहीं किया? नहीं। तक खाना पीना हो चुका है, और अभी मैंने ले ली थोड़ी सी दवाई जो कि डेली यूज के लिए होती है। चंदा मामा आ गया। सो ये मैंने कुछ सोचा है मेरे लिए कुछ लेने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ लिया। तो मुझे कपड़ों का ज़्यादा शौक है नहीं, मतलब है पर उतना नहीं है। तो चलिए मैंने क्या सोचा है देखते हैं। कॉस्मेटिक्स भी खरीदने थे जो कि हमने अभी खरीद लिए हैं, और पूरी तो शॉपिंग हो चुकी है। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आ गए क्या तुम लोग? हाँ चलो, क्योंकि पापा आ गए हैं मौसी के घर, और वो खाने के लिए हमारा वेट कर रहे होंगे, तो हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं घर, और पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं। पापा आप डांटना चाहोगे? नहीं, कैमरे के आगे मेरे पापा बिल्कुल नहीं डांटते हैं। हमारे खाने में है देसी थाली, भाकर, चटनी, और ये है बैंगन का भरता, है दाल, ये है कढ़ी, और ये है चावल।